अभी हम गया में है। गया का ये मार्केट है नई बाजार। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठेला पे वाले और जितने भी यहाँ चल रहे उनसे बातचीत करते हैं कि लगातार यहाँ से माननीय प्रेम कुमार जी विधायक रहे 8 बार, उनका कैसा विकास रहा, फिर ये 4 साल कार्यकाल हो गया और अगले साल चुनाव है, कैसा रहा कार्यकाल, बात करेंगे हमारे साथ बहुत सारे व्यक्ति। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मुरारी जी। मुरारी जी, मुरारी जी लगातार यहाँ से विधायक 8 बार रहे, 40 साल विधायक रहे आपका विधायक प्रेम कुमार, कैसा विकास हुआ उनके साथ? अभी तक तो कोई विकास ही नहीं हुआ। कोई विकास ही नहीं हुआ बोल रहे हैं, कोई विकास ही नहीं हुआ 40 साल तक वहाँ विधायक रहे, विकास कैसे नहीं हुआ? बोल तो रहे हैं कि विकास ही नहीं हो रहा, कहाँ कुछ हो रहा विकास। तो इस बार चुनाव 2025 में किनको अपना विधायक बनाइएगा? विधायक देखिए पार्टी पर निर्भर है, तो होगा ना आपके मन में, बहुत सारे नेता लड़ रहे हैं चुनाव, किनके लग रहा पक्ष में? बदली तो चाहिए, किनको बनाइएगा विधायक? अभी देखिए किसको, हम नहीं गारंटी कर सकते। हम दो नेता का नाम आता है ज़्यादा, गया में अक्सर देखा जाता है दो नेता के बीच टक्कर रहता है, एक है प्रेम कुमार और दूसरा है मोहन श्रीवास्तव, ये दोनों में क्या लग रहा है इस बार बाजी मार पाएंगे कौन? मोहन श्रीवास्तव आवेंगे कि प्रेम कुमार आवेंगे ये तो अभी गारंटी नहीं कर सकते हैं। देखिए और भी पार्टी हैं लोग, उनको भी मौका दिया, देखा जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर है, क्या नाम हुआ आपका? पिंटू गुप्ता। हाँ पिंटू गुप्ता, इधर आइएगा। कैसे हैं? ठीक है। इस बार विधायक किनको बनाइएगा लगातार? नहीं है। कहाँ से हैं आप? नवादा जिला से। नवादा जिला से यहाँ आगे कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सारे व्यक्ति उनसे बातचीत करेंगे, इधर आइए। क्या नाम हुआ आप, कहाँ से है? आप यहीं का है ना जी? हाँ क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश। प्रकाश जी किनको वोट दीजिएगा? 8 साल 8 बार से लगातार विधायक है, उन्हीं को फिर बनाइएगा कि चेंज होगा इस बार? आप तो जिसको दे रहे उसी को ना बनाएंगे। किनको दीजिएगा, किनको दीजिएगा, नाम जानते हैं उनका? इस बार वोट किनको दीजिएगा? फूलछाप को। हाँ फूलछाप को। फूलछाप को, देखिए ये फूलछाप को वोट देंगे। बहुत सारे इधर आइएगा, देखिए चले गए और देखिए जितने भी है सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं हमारे साथ, देखिए कुछ नौजवान है। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? इधर इधर इधर, अरे इधर। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार रजक नाम हुआ। नीरज कुमार रजक जी। हाँ। किनको वोट दीजिएगा इस बार? हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को दे इस बार फिर, बीजेपी को देना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जितने भी उनके समर्थक है सब आए रोड पे और सबसे जब पूछ रहे सबका यही कहना कि जिनको हम वोट देते आ रहे उन्हीं को देंगे, बाकी आपका क्या रहा? बहुत सारे और भी व्यक्ति उनसे हम जानकारी लेंगे। देखिए लगातार हमने दिखा रहे हैं से बहुत सारे, देखिए फल बेच रहे व्यापारी लोग, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। देखिए माथे पे टीका चंदन लेके घूम रहे हैं, पक्का फिर से लगता है बीजेपी को वोट दीजिएगा? अभी इलेक्शन है बहुत, बीजेपी को वोट दिया जाएगा। अच्छा यहाँ से विधायक लगातार रहे हैं 8 बार से प्रेम कुमार, कैसा विकास हुआ उनके कार्यकाल में? कोई विकास नहीं है। इस बार किनको विधायक बनाइएगा? अब देखिए कौन कौन मैदान में आते हैं, अच्छे कैंडिडेट जीतेंगे। अच्छे कैंडिडेट जीतेंगे। पिछले चुनाव में देखा जाए तो दो थे, एक आपका मोहन श्रीवास्तव जी और एक प्रेम कुमार जी, दोनों अच्छे प्रदर्शन ले लेकिन उसमें से प्रेम कुमार फिर बाजी मार लिए और 8वें बार विधायक बने। इस बार क्या लग रहा है, क्या रहेगा? कुछ परिवर्तन होगा। किनको देखिएगा? अब कैंडिडेट आएंगे तो देखेंगे। फिर तो आएंगे, दोनों तो फिक्स है, फिर तीसरा भी कैंडिडेट आएगा। तो बदलाव जरूरी ना है, जब एक अच्छा नहीं कर रहा तो दूसरे को ही ना लोग चुनेगा। देखिएगा मोहन श्रीवास्तव। मोहन श्रीवास्तव, देखिए मोहन श्रीवास्तव लग रहा है, जब वो आएंगे तो विकास होगा, एकदम होगा। ऐसे भी तो नगर निगम में रह के विकास कर रहे हैं, तो विधायक होकर विकास नहीं करेंगे? लग रहा है गया भगवान बुद्ध की धरती है, है ना? बुद्ध की धरती से जो विधायक बनते हैं उनका मतलब जहाँ से यहाँ पर्यटक स्थल हब है, लग रहा है उसको और बेहतर प्रदर्शन देंगे करेंगे एकदम। अगर वो विधायक बने तो बेहतर प्रदर्शन होगा उनका। कहा जा रहा है प्रेम कुमार गया के विकास पुरुष है, इसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ आपको विकास दिखता है गया? विकास कौन कर सकते हैं? तो कोई भी जो अगर दूसरे कैंडिडेट आएंगे उनको मौका अगर मिल गया कि गया को हम अगर विकास करें तो वो जरूर करेंगे। अच्छा उन्हीं को विकास करेंगे। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहुत सारे। इधर आए, क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर केसरी। केसरी जी इस बार किनको अपना विधायक बनाएंगे? जो आएंगे नया कैंडिडेट वो तो बनना ही चाहिए। लगातार देख रहे होंगे माननीय विधायक आपका, इधर आइएगा। माननीय विधायक है 8 बार से लगातार उन्होंने प्रेम कुमार ने जीत हासिल किया, इस बार क्या लग रहा है? इस बार मतलब कोई और आना चाहिए उनके जगह। कोई और आना चाहिए, क्यों क्यों कारण? कारण लगातार वही आ रहे हैं तो कोई चेंज होना चाहिए ना। हाँ इसलिए इस बार दूसरा देखिएगा। किनको देखिएगा? अब जान स्वराज से बहुत सारे पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी जो भी खड़ा होंगे उनको देखा जाएगा। हाँ
आपके यहाँ से दो नेता निकलते हैं, टक्कर रहता आपस में, मोहन श्रीवास्तव और प्रेम कुमार, क्या लग रहा है दोनों? मोहन श्रीवास्तव जी को आना चाहिए, मोहन श्रीवास्तव जी को आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोनों नेता के बारे में अपना पक्ष और रख रहे हैं, दोनों का कहना है कि दोनों जो सही है और जो सही काम करेंगे और गया के लिए काम करेंगे हम उसको लाएंगे। बाकी आप देख रहे थे KTN न्यूज, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।